जून का महीना अब लगभग खत्म होने वाला है। इसके साथ ही जुलाई की पहली तारीख से सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसे जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आपकी जेब पर इसका असर पड़ सकता है। यदि ध्यान नहीं दिया तो आपकी जेब को तगड़ा झटका भी लग सकता है। चलिए आपको बताते हैं। आधार पैन कार्ड लिंक। अगर अभी तक आपने आधार पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो अब आपके पास केवल एक हफ्ते ही बचे हैं। आपको बता दें कि आधार पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है, क्योंकि 30 जून के बाद से आपको दोगुनी पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर के आधार से लिंक करने पर ₹500 पेनल्टी भरना होता है और अब ये डबल हो जाएगी। क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर लगेगा 1% TDS। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों की। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। अगले महीने से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर 1% TDS का भुगतान करना होगा, फिर चाहे उसे मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में। साल 2022-23 से क्रिप्टो करेंसी से होने वाले इनकम पर 30% कैपिटल गेन टैक्स लगाने का नियम लागू किया गया था। क्रिप्टो के बाद शेयर मार्केट की। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आप 30 जून तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट KYC करवा लें, वरना आपका अकाउंट अस्थायी रूप से बंद हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप 1 जुलाई से शेयरों में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। महंगी हो सकती है होम लोन की EMI। 1 जुलाई से होम लोन की EMI भी कुछ महंगी हो जाएगी। ये उन ग्राहकों के लिए होगी जिनकी होम लोन की रीसेट डेट 1 जुलाई 2022 है। RBI के रेपो रेट बढ़ाने के फैसले के बाद सभी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने होम लोन महंगा कर दिया है, और जिनके होम लोन का रीसेट तारीख 1 जुलाई है उन्हें इस महीने से ज्यादा EMI का भुगतान करना होगा। 1 जुलाई से महंगे होने वाले हैं AC। दरअसल BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एयर कंडीशनर्स के एनर्जी रेटिंग रूल्स में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा। इसका मतलब है कि 1 जुलाई से 5-स्टार AC की रेटिंग सीधे 4-स्टार हो जाएगी। गैस सिलेंडर की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को रिवाइज की जाती है। सिलेंडर के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए यह आशंका है कि 1 जुलाई को रसोई गैस की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि देश 4 लेबर कोड के लागू करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है, और माना जा रहा है कि 1 जुलाई से लेबर कोड के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके लागू होने के साथ ही इन हैंड सैलरी, कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग्स, PF कंट्रीब्यूशन के अलावा ग्रेचुइटी आदि पर असर पड़ने की संभावना है। प्रस्ताव के मुताबिक कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। कर्मचारियों को 4 दिन में 48 घंटे यानी हर दिन 12 घंटे काम करना होगा।